हेलो मेरे चैंपियंस, नीट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बिना अगर आप नीट के एग्जाम देने की सोच भी रहे ना तो गलत कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं डू और डाई टॉपिक्स बोलता हूं, और वो नीट के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि उससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। तो बच्चों, अगर आप बहुत पीछे रह गए हो नीट की तैयारी में, और अगर अभी भी लगता है कि कोई अच्छा सा कॉलेज आपको मिल जाए, तो ये टॉपिक्स जिनके बारे में मैं आज बताने वाला हूं या जिनकी चर्चा करने वाला हूं, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो ताकि एटलीस्ट एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। जी हां बच्चों, मैं हूं आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, और आज इन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाला हूं इस सेशन में। तो इससे पहले कि मैं आगे इन टॉपिक्स की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, छोटी सी फैमिली है, जहां पे हम बच्चों के साथ काफी बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ मोटिवेशन टॉक्स करते हैं, डेली क्विजेस शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। हमने यहाँ पे क्यूआर कोड दे दिया है, आप उसको स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो। देखो क्या क्या एक्टिविटीज होती है, हम डेली स्केड्यूल शेयर करते हैं कि यूट्यूब में क्या क्या सेशन होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेली आपको स्केड्यूल मिलेगा, डेली क्विज मिलता है, मतलब आप यहाँ पे या तो टेलीग्राम के क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो उन्हीं टॉपिक से होता है जिनका सेशन यहाँ पे होता है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि किस किताब से करूं, कोई आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्विज शेयर होता है, आप इसको अटेंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ फ्लैश कार्ड भी शेयर के होते हैं कि मान लो कोई चीज याद करने में दिक्कत आती है, तो वी कीप शेयरिंग फ्लैश कार्ड्स, जिसको बार बार अगर आप वीडियो या शॉर्ट्स के रूप में देखोगे तो जल्दी याद हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट ऑफ एलुमनाई सेशंस, मतलब जो आपके भैया दीदी जो मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए हैं उनके सेशंस भी हम यहां रखवाते हैं, ताकि आप उनसे अपने मन के सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है तैयारी में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत खराब कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, तो आपके भैया दीदी भी उसी पाथ से गुजरे हैं और अभी अभी मेडिकल कॉलेज में गए हैं, तो उनकी तैयारी बिल्कुल ताजा है और वो आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं और आप उनसे सॉल्यूशन पूछ सकते हो या ढूंढ सकते हो उनसे सॉल्यूशन। सो ये सारी चीजें हम टेलीग्राम में करते हैं, एक छोटी सी फैमिली बनी हुई है। अगर आप भी उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। एंड उसके अलावा, इन सब के अलावा, आई एम पर्सनली गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मैं वहां ऑलमोस्ट हर समय प्रेजेंट रहता हूं इस ग्रुप में। चलो बच्चों, तो ये बात तो हो गई हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, हमारी छोटी सी फैमिली की, और आप जल्दी से इसका हिस्सा बन जाओ तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं डू और डाई टॉपिक से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्क्स और रैंक के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूं, आज फिर से करूंगा, बट ये आज मैं टॉप वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनके लिए तो मैंने एक सेशन लिया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करवा दूंगा। एम्स अगर जाना है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी, तो एम्स जाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। बट अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज जाना है तो एटलीस्ट आपको ये 1 लाख के अंदर आना पड़ेगा। ये जो रैंक है यहां पे, दिस इज वेरी क्रिटिकल रैंक, क्योंकि इसके अंदर मतलब आप 499 का आंकड़ा अगर पार कर जाते हो तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज जिसकी फीस भी कम है वो मिल जाएगा। बिकॉज यूजली हम प्राइवेट और गवर्नमेंट में सिलेक्शन फीस की वजह से करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, और यूजली 357 के ऊपर मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे मेडिकल। वैसे तो यहां पे भी मिलता है बट 357 पे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, 499 के ऊपर अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की गारंटी बढ़ जाती है, एंड देयरफॉर इसकी फीस भी कम होती है यहाँ पे। एंड आप अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो या लेट जागे हो या फिर आपकी तैयारी में अभी भी वो 700-600 वाली बात नहीं है, तो एटलीस्ट हम इसको तो अटेम्प्ट करें, ये या फिर ये। और आज मैं इन्हीं की चर्चा करने वाला हूं कि जो बच्चे इस जोन में है वो यहां के ऊपर कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप कर लोगे तो आप इसके ऊपर खिसक सकते हो। इस समय से तैयारी करके अगर कोई मुझसे पूछे कि 600 के ऊपर ले आऊंगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बच्चा, ठीक है। अभी से तैयारी करके डेफिनेटली अगर आप कुछ नहीं जानते हो, आप इस जोन में 350-400 के जोन में पहुंच सकते हो, एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एस्पायर कर सकते हो, बट 650 बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मैं एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं बच्चे, बट देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन विच आई हैव सीन इन द लास्ट 20 ईयर्स, मतलब पिछले 20 सालों में मैंने ऐसे शायद एक या दो बच्चा ही देखा होगा जो लास्ट में उठ के जिसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लिया, ठीक है। सो
हम तैयारी करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं इसके ऊपर जाए। और अगर जिन बच्चों को एम्स जाना है या जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कैसे करनी है उसकी बात करी है। तो बच्चों ये तो आपके ये मैंने आपको मार्क्स बताया, अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट को पिक करके, फिजिक्स को, फिर मैं केमिस्ट्री को पिक करूंगा और लास्ट में बायो की बात करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को करने से आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों, 11th के मैंने चार टॉपिक्स लिखे हैं, विच इज मेजरमेंट, सॉलिड्स फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन और रोटेशन मोशन। अब यहां से हर साल एक या दो सवाल, तो आप यहां पे देख रहे होंगे चार मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो हर साल यहां पे एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। मैंने इसको इसलिए पिक किया बिकॉज ये इजी टॉपिक है, ठीक है। इजी का मतलब है इससे नंबर कटने नहीं चाहिए। तो एक तो ये टॉपिक है जो आपको 100% नंबर दिलाएगा, हर साल एक सवाल आता ही आता है, आपको करना ही करना है। अब आता है सॉलिड्स और फ्लूइड्स। सॉलिड्स और फ्लूइड्स को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इससे दो सवाल आते हैं 8 नंबर के, कई बार 8 नंबर का, मोस्टली कई बहुत कम बार एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने 6 मार्क्स रखे, विच इज एवरेज ऑफ द मार्क्स जो इस चैप्टर से आते हैं। और ये इजी भी है। इजी क्यों है? क्योंकि केवल फॉर्मूला लगा के सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। केवल इस चैप्टर में सॉलिड्स और फ्लूइड्स में 8 या 9 फॉर्मूले हैं, उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, मतलब फॉर्मूला घुटा हुआ है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है आपका। तो ये इजी भी होते हैं और कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं इसके, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। नाउ सिमिलरली ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से भी 2 सवाल आते हैं। 2 सवाल का मतलब है हर साल 1 या 2 ऐसे सवाल आते हैं, ज्यादातर 2 सवाल ही आते हैं ग्रेविटेशन से, और इससे भी इजी सवाल ही आते हैं। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन मोशन, इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो ये आप देखो यहां पे 3 से 4 सवाल आते हैं इस रोटेशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, और इसमें मोस्टली एमओआई से 1 सवाल या 2 सवाल आता है। 1 सवाल आता है टॉर्क से, बहुत सिंपल वाला टॉर्क से, और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो इससे 1 सवाल आता है, एंगुलर मोमेंटम से सवाल आता है। और ये आते हैं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल सिमिलर से टॉपिक होते हैं, दोनों में ही क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, और इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगर आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, दो उससे मिलते जुलते 2 सवाल और लगा लिए, तो नंबर आपके पक्के हैं। और ये तो मैं आपको इस चैनल पे कवर भी करवा दूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरे पूरे नंबर आएंगे आपके। तो ये आपके 11th के टॉपिक्स हैं जिससे सवाल आते हैं। अब 12th में 2 यूनिट्स हैं जिससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। 1 सवाल आता है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से। तो ये जो लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, भर भर के सवाल आता है ये मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स दिखने में 3-4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और यहां से 8 या 9 सवाल आते हैं बच्चों। सो बेसिकली 8 to 9 questions आर आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, एंड सिमिलरली 3 to 4 questions आर आस्क्ड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। तो इससे अकेले मिला के आप देखो कि आपके जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से 5 तो आपको सिलेक्ट करने होते हैं, बट उसमें ऑलमोस्ट ये 9+4 13 सवाल तो यहीं से होते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स और 12th के हैं। बोर्ड की तैयारी अगर कर रहे हो और 12th में हो, तो ये तो करना ही करना है आपको बोर्ड के लिए भी, और साथ साथ में इसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपका ये टॉपिक तो पुख्ता हो जाएगा। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस। हालांकि कैपेसिटेंस जो है इतना ईजी सवाल नहीं आता है कैपेसिटेंस का, लेकिन फिर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया तो कैपेसिटेंस लीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटेंस के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के, बट फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस उसे कम इंपॉर्टेंस है। देखो आप यहाँ पे ये 20 मतलब कि ऑलमोस्ट 5 सवाल और 5 से इसमें 7 सवाल जो है इन दोनों टॉपिक से आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सो देयरफॉर दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, वरना पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा। तो दिस इज डू और डाई टॉपिक्स। अगर आप ये कर लेते हो तो आप देखो एक बार को 10 ऑलमोस्ट कितने हो गए, 29, 40, 49, 55, 66 and 99, तो ऑलमोस्ट 100 नंबर हो गए। 100 नंबर 180 में अगर 200 की बात करते हैं तो 50% 55% तो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बट जो टॉपिक्स आते हैं यहां से 50% जो है वो इन्हीं से आते हैं। तो दिस दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डू और डाई टॉपिक, इसीलिए नाम रखा है मैंने।
सो ये टॉपिक के बिना अगर कोई और टॉपिक कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो पहले इन टॉपिक्स को मास्टर करो, अगर कर लिया फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स को मैं डू और डाई टॉपिक बोलता हूं, रिपीटेटिव जहां से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऑलमोस्ट एक बार आ चुका है तो वैसे ही सवाल दोबारा भी आएगा, तो ऐसे टॉपिक को मैंने यहां पिक किया है। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है इस साल बिकॉज इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट हटा दी गई है, बहुत सारे टॉपिक्स इनऑर्गेनिक हटा दिए गए हैं, बट अब मुझे क्या लगता है इनऑर्गेनिक में, अगेन दिस इज माई रीजनिंग, और इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी रखा है, मुझे लगता है इसकी वेटेज बढ़ा देंगे वो लोग इस साल, बिकॉज जो टॉपिक्स हटाए हैं उनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक में आती है। पीरियोडिक में आपको सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी करनी करनी है, अगर वो कर रहे हो तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उसके सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, एंड देयरफॉर द वेटेज ऑफ केमिकल सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज। दिस इज अगेन माय एक्सपेक्टेशन। बट आप ये देखो केमिकल बॉन्डिंग, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं लिए हैं क्योंकि केमिस्ट्री पिछले साल भी हल्की सी टफ आई थी। जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स में स्कोर करना फिर भी आसान है, क्योंकि अगेन मैंने ऐसे टॉपिक्स नहीं लिए जहां मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ऐसे टॉपिक्स लिए जहां फॉर्मूला का इस्तेमाल करते ही आप नंबर गेन कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है, एंड स्पेशली इस बार मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक प्रॉपर्टी से सवाल ज्यादा आएंगे और उनकी वेटेजेस बढ़ जाएंगे बिकॉज जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी इसका आपका वेटेज विल इंक्रीज। एंड जीओसी और ये हाइड्रोकार्बन्स, ये 11th के टॉपिक्स हैं, ये चार 11th के टॉपिक्स हैं और यहाँ पे मैंने चार 12th के रखे, एक फिजिकल और तीन आप ये देखो दो ऑर्गेनिक के जो कि मिलते जुलते हैं ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक, और कोऑर्डिनेशन जो है इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया है, एंड देयरफॉर अगेन अ चांस दैट यहाँ पे भी पहले भी वेटेज ज्यादा थी अभी भी ज्यादा वेटेज बढ़ा सकते हैं, तो एक या दो सवाल यहां से और बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पे पक्का दो से तीन सवाल यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। दीज आर दी टू टॉपिक्स विच विल डेफिनेटली बी आस्क्ड मोर इन नंबर मोर देन योर फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और यूजली नीट के पेपर में कोशिश ये रहती है नीट वालों को, नीट जो भी सेट कर रहे हैं, एनटीए जो आपका पेपर सेट कर रही है, उनका उनकी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएं, क्योंकि देखो वैसे भी 130 नंबर ही कट ऑफ होता है, अब 130 नंबर के नीचे आधे बच्चे तो उनके नीचे होते हैं, अब 720 में 130 के नीचे 10 लाख बच्चे अगर बैठे होते हैं पेपर जरा भी टफ करेंगे ना, तो 130 के नीचे ऑलमोस्ट 7-8 लाख मतलब और बच्चे बढ़ जाएंगे, मतलब उसके ऊपर केवल 2-3 लाख ही बच्चे रह जाएंगे, तो ऐसा नीट करना नहीं चाहेगा, नीट का जो भी एग्जाम सेटर है वो ऐसा नहीं करना चाहेगा, एंड देयरफॉर पेपर बहुत टफ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लोग अटकलें लगा रहे हैं कि पेपर इस बार चेंज हुआ है पेपर टफ हो जाएगा, यस पेपर कैन बिकम टफ सो दैट नॉट एवरीवन इज एबल टू स्कोर 720, बट एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर मोर देन 130-200 मार्क्स, ऐसी तो उम्मीद रहेगी ना उनकी, और इसीलिए 2-4-5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो डिफिकल्ट हो, स्पेशली जो बच्चे 600-650 के ऊपर सोच रहे हैं, बट जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 300-400 आपके लिए पेपर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, आपको उतने ही सवाल करने हैं, कम सवाल करने हैं, और वो इजी सवाल करने हैं, रिपीटेटिव सवाल करने हैं, और इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। ओके, सो दिस इज केमिस्ट्री। अब बायो, बायो में अगर आप देखोगे तो दीज आर यूनिट्स विच आई हैव पिक्ड अप, अगेन मैंने यूनिट्स पिक किए हैं, ऑल्दो इन यूनिट्स में भी अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग वेटेज है, बट 70% तो इन्हीं यूनिट से आता है, इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आपने ये नहीं किया बायो में, मतलब ह्यूमन और प्लांट फिजियो के बिना अगर कोई भी और टॉपिक कर रहे हो या कोई भी और यूनिट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि देखो कितना है 72 मार्क्स यहीं से आ रहे हैं और 46 मार्क्स ऑलमोस्ट प्लांट फिजियो से आ रहे हैं, तो ये दोनों मिला के आपके कितने बन गए, मतलब ऑलमोस्ट 118 नंबर 120 नंबर मान लो आप इन दोनों टॉपिक से ही आ रहे हैं, और 120 बहुत ज्यादा होता है बच्चों, 120 बहुत ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर आपको ये टॉपिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और अभी टाइम है आपको करने का, क्योंकि बाद में आप बोर्ड और उन सब के चक्रों में लग जाओगे तो आप इन टॉपिक्स पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे, और 12th में देखो ये टॉपिक्स बायोटेक जेनेटिक्स इको और इनसे जो है आपके मार्क्स जो है ऑब्वियसली 11th से कम होते, बट still they are very high weightage topics,
तो दीज आर द डू और डाई टॉपिक। सो बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, डू और डाई टॉपिक का मतलब होता है ऐसे टॉपिक्स जहां से आसान सवाल आते हैं, रेपिटेटिव सवाल आते हैं, और उसमें आपके नंबर लाने के जो चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एंड देयरफॉर हमें इस समय एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है, ना कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनना है जो हर जगह हाथ पैर मार रहा है, नंबर कहीं से नहीं आ रहे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो बच्चा होता है जिसको पता होता है कि किस टॉपिक पे मैं मेहनत करूंगा उससे कितने नंबर आएंगे, और चुन चुन के वो सारे टॉपिक कर लेता है जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, जो इजी टॉपिक्स होते हैं, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं, जिनसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो ये सारे टॉपिक्स पे मेहनत करोगे, पहले इन पे कमांड करोगे, फिर हम बात करेंगे बाकी और किसी यूनिट्स या टॉपिक्स की। तो बच्चों इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहो, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन दिस चैनल, शेयर दिस सेशन विद एज मेनी फ्रेंड्स, जितने भी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो कर दो, लाइक करना मत भूलना, बट मोर इंपॉर्टेंटली इस चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं आनंद प्रकाश को फाउंडर ऑफ वेदांतु प्रॉमिस करता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम एक्सट्रीम हार्डवर्क करने वाली है आप सबके साथ। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मेहनत करने को तैयार हो या नहीं। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो ट्रस्ट मी हम आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा के रहने वाले हैं। सो तैयार हो जाओ, जुड़ जाओ, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर रोज मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, जो टीम है वो भी आएगी, और बहुत सारी हम अलग अलग टाइप की सीरीज लाएंगे जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर वेदांतु के इस चैनल के अलावा भी कुछ और करने की जरूरत है क्या? मैं बोलता हूं बच्चों बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पे जुड़े हुए हो तो आपको हम सारा का सारा टॉपिक कराएंगे यहाँ पे, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन सम इन डिटेल, कुछ आपके शॉर्टकट्स वाले टॉपिक्स, कुछ आपके PYQ वाले टॉपिक्स, ये सारी चीजें हम करने वाले इन डिफरेंट सीरीज टिल योर नीट एग्जाम। इसी पे हम टेस्ट सीरीज भी लेंगे, आपको डेली असाइनमेंट्स भी मिलेगा, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। NCERT के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शायद डिलीट हो गए हैं वो भी हम करवाएंगे अलग से, कहीं सवाल आ जाए उन बच्चों के लिए जो बहुत एस्पायरिंग है, जो 600 प्लस नंबर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ये बच्चा ये चैनल जो है हर बच्चे के लिए है, और हमारा जो सीरीज होगा वो अलग अलग सीरीज अलग अलग बच्चे को टारगेट करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड सी यू सून इन अनदर सेशन। ठीक है, तब तक के लिए शेयर करना मत भूलना, शेयर कर दो। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।